हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी को हमारे चैनल पे ढेर सारा स्वागत है। और फाइनली आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी हॉस्पिटल बैग पैकिंग शेयर करने वाली हूँ, जो कि डिलीवरी के लिए चाहिए होगा। और काफ़ी नज़दीक आ चुकी है डेट, डॉक्टर ने बोल दिया है कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है, तो आप अपने हिसाब से रेडी रहना। तो उस हिसाब से मेरे लिए जो भी कुछ एसेंशियल चाहिए होगा वो सब कुछ मैं इधर पे लेके बैठ चुकी हूँ, क्योंकि फाइनल आज मैं बैग पैक करके रेडी रखने वाली हूँ, क्योंकि कुछ भी पता नहीं कब क्या इमरजेंसी पड़ जाए और हॉस्पिटल जाना पड़े। और ये बैग पैक करने का एक ही मकसद है, बस ज़रूरतमंद सामान हाथ के सामने हो, छोटी मोटी जो भी सारी चीज़ें होती है ना, अगर आप हॉस्पिटल जाने के बाद ज़रूरत होंगी तो हस्बैंड को इधर उधर भागना पड़ेगा लेने के लिए, तो उस टाइम पे, उस इम्पॉर्टेंट मोमेंट पे आपके साथ आपके हस्बैंड रहे वो ज़्यादा अच्छा होंगे। तो इस वजह से छोटी मोटी जो भी सामान मेरे लिए चाहिए होगा वो सब कुछ ले लिया है, एंड आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत कोई ऐसा है जो मेरी वीडियोस देखते हैं, ओल्ड भी मम्मीज या फिर जिनका डिलीवरी डेट सामने है, तो थोड़ी बहुत आइडिया की ज़रूरत होती है। मुझे भी मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस वजह से मैंने ऑनलाइन बहुत रिसर्च करके ये सारा सामान लिया है, फिर मेरी नानी से, उसके बाद ऑलरेडी जिनका बेबी है, रिसेंटली मम्मीज बनी है, तो सबसे मैंने थोड़ी थोड़ी आइडिया लेके ये बैग पैकिंग कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल ज़रूर लगेंगे। और फाइनली वो दिन आने वाली है कि जूनियर को वेलकम करने के लिए मैं ये बैग पैक कर रही हूँ, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और हाँ गाइस, बच्चों के लिए मतलब मेरे बेबी के लिए अभी तक कुछ भी सामान नहीं खरीद पाई, चार पांच बार मार्केट जाके घूम के रिटर्न आ चुकी हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उसको लूँ, इतना क्यूट क्यूट सामान है। लेकिन घर वाले सब कोई बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं कि नहीं बेबी, डिलीवरी के बाद ही सामान लेना चाहिए, ऑनलाइन ऐड टू कार्ट करके रखी हुई हूँ, जैसे न्यूज़ मिलेंगे बेबी डिलीवर हो चुकी है वैसे वैसे मेरे हस्बैंड जो है बेबी का सामान लेंगे। बट मेरे लिए जो सामान चाहिए होगा एक नए मम्मी को वो जो है मैं सब कुछ पहले से रेडी रख रही हूँ। तो ये रही मेरा बैग, पिछले वीडियो में भी जब मैं शॉपिंग कर रही थी मैं आप लोगों को दिखाई। तो चलिए स्टार्ट करते आज का वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल ज़रूर होंगे, और एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ। डॉलर डॉलर एक्साइटेड, मम्मा एक्साइटेड, देखिए डॉलर भी पीछे है मेरा, पीछे पीछे वो देखिए। तो ये है मेरा हॉस्पिटल का इतने दिनों का मतलब टोटल प्रेगनेंसी का जो भी रिपोर्ट्स है मेरा, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। और कुछ लेके जाओ ना जाओ, डॉक्टर ने कह दिया है ये रिपोर्ट्स लेके तो जाना ही है, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इस वजह से मैं ये फाइल, जो भी रिपोर्ट्स का फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, इधर पे आधार कार्ड वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो, तो ये जो है रिपोर्ट्स का और मेरा डॉक्यूमेंट्स का फाइल जो है मैं एक साथ करके रख दूंगी इस बैग के अंदर। और मेरा कलर टॉपलर जो USG है ना वो वाला बाकी है, डेट दो दिन बाद है, वो भी करके इसी के अंदर मैं रिपोर्ट रख दूंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ये वाला रिपोर्ट, तो मैं इसके अंदर रख रही हूँ। नेक्स्ट सामान है मेरे लिए इम्पॉर्टेंट, न्यू मम्मीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही अनकम्फर्टेबल पीरियड्स वाला ये सीन है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी सी सेक्शन के बाद फिर हैवी फ्लो पीरियड्स आती है, तो एक महीना डेढ़ महीना रहते मैंने ऐसा सुना है। तो ये हैवी फ्लो में नॉर्मल वाला जो पैड्स आती है वो तो काम नहीं देंगे, तो इसलिए मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ऑनलाइन एवरइफ का ये वाला मेटर्निटी जो पैंटीज पैन होती है ये वाला मैंने ऑर्डर की है। ये पैंटी स्टाइल में है, पैंट की तरह, तो ये बहुत कम्फर्टेबल होती है, हैवी फ्लो के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें लीकेज वगैरह कुछ नहीं होती है, तो जस्ट पैंटी की तरह पहनने से काम चल जाएंगे। तो ये मैं एक पैकेट ले रही हूँ, हॉस्पिटल से सब कुछ प्रोवाइड करती है, नर्सिंग होम में सब कुछ प्रोवाइड करती है, बट उधर पे जो मिलेंगे वो कंफर्टेबल में हो पाऊंगी कि नहीं, इसलिए मेरे लिए मेरी ज़रूरतमंद सामान मैं रख रही हूँ, उधर पे नहीं लगेंगे तो घर पे आकर तो काम लग ही जाएंगे। तो ये वाला आप लोग भी ट्राई ज़रूर कर सकते हो। और कुछ पैंटीज मैंने कॉटन की ले लिया है, जो कि साइज में नॉर्मली हम लोग पहनते उससे थोड़ा बड़ा साइज की, क्योंकि सी सेक्शन में पेट वगैरह स्टिचेस रहते हैं, पेस्टिंग रहते हैं, तो कंफर्टेबल के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो मैं कुछ पैंटीज रख लिया है।
नेक्स्ट जो सामान है वो है मेरे लिए खुद को पैम्परिंग करने के लिए थोड़ी बहुत, तो ये छोटा सा मैं पाउच लूंगी और पाउच को ना मैं इसके अंदर मैं रखने वाली हूँ। एक छोटा सा पाउच के अंदर मैं क्या क्या ले रही हूँ, एक छोटा सा क्लचर लूंगी, ठीक है, एक मॉइस्चराइजर, एक काजल। ये सब मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि बेबी डिलीवरी के बाद अगर आप पेशेंट की तरह रहोगे अच्छा थोड़ी दिखने वाली है, एक खुशी का माहौल होने वाली है, तो थोड़ी बहुत खुद को पैम्पर करना, काजल, लिप बाम इतना तो चलती है, तो इस वजह से मैं ले रही हूँ। एक छोटा सा रोल ऑन खुद को फ्रेश रखने के लिए, एक छोटा सा लिप बाम, सब कुछ छोटा छोटा मैंने ले लिया है ताकि उधर पे काम आ जाए, दो तीन दिन की जितनी भी मतलब दिन रहना है खुद को मैं थोड़ी सी ठीक से रख पाऊंगी। एक छोटा सा साबुन भी मैंने लिया है, टूथपेस्ट और टूथब्रश, बस ये कुछ सामान। और हाँ, कहाँ गया, और ये वाला मैंने लिया है बेबी वाला जो वेट वाइप होती है ना हिमालया की, मैंने एक पैकेट ले लिया है छोटा वाला, क्योंकि बेबी आने के बाद तो वो अलग से खरीदना तो होगा ही, लेकिन आफ्टर सी सेक्शन में फेस वॉश कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो इस वजह से क्लीन करने के लिए खुद को ये वाला वेट वाइप में रख रही हूँ। बेबी का भी काम आ जाएंगे, मेरे लिए भी काम आ जाएंगे। तो ये जो कुछ सामान है मैं ये सामने वाले ना ये सामने वाले पॉकेट में रख दूंगी। और हाँ, मोबाइल का चार्जर, मोबाइल ये तो लेना ही है, जब जाऊंगी जिस टाइम पे उस टाइम पे लेना होगा, तो सामने वाला पॉकेट में रबर बैंड भी चाहिए होता है, क्योंकि दो छोटी बात नहीं होती है, तो रबर बैंड तो रहेंगे ही साथ में, ठीक है। और हाँ, SD कार्ड गाइस, मेरे लिए मैं जो इम्पोर्टेंट समझती हूँ वो है मेमोरी कार्ड मोबाइल के लिए, क्योंकि मेरे फ़ोन पे स्पेस का बहुत प्रॉब्लम होती है और मैं चाहती हूँ ये मेमोरी हमेशा मैं कैप्चर करके रखूँ, छोटी मोटी जो भी क्लिप्स होंगे ना मैं आफ्टर डिलीवरी हॉस्पिटल से आने के बाद जो है मैं उस चीज़ को देख पाऊँगी, इंजॉय कर पाऊँगी, तो इस वजह से मैं एक एक्स्ट्रा SD कार्ड लेके जाने वाली हूँ ताकि मैं वीडियो कैप्चर करके वो अलग से रख पाओ। अगर आप लोग भी चाहते हो, पता नहीं नर्सिंग होम में कितना क्या मतलब अलाउ करेंगे, बट जितना हो पाएंगे मेरी तरफ से मैं करूँगी, क्योंकि मुझे चाहिए होगा कि मैं पूरा वीडियो क्लिप लेके आऊँ जितना हो पाए। और ये रही एक मैटरनिटी गाउन, तो नहीं नॉर्मल वाला ही गाउन जो मैं पहले से ही ये वाला मतलब रखी थी, ये पहन के आने के लिए आफ्टर डिलीवरी जब छुट्टी हो जाएंगे डिस्चार्ज के बाद, एक नया लंबा सा गाउन, ये देखिए लंबा वाला ये गाउन जो है पहन के आने के लिए मैं एक ले लूँगी, ठीक है। और नर्सिंग होम में जो पैकेज होती है ना 3 दिन 4 दिन का, उसमें तो ये सब आपको अलाउ नहीं करेंगे, उधर का ही ड्रेस पहनना होता है, बाहर का कोई कपड़ा अलाउ नहीं होती है। तो मैं नाइटी वगैरह जो खरीद के लाई थी ना कुछ दिन पहले, तो ये सब धो के डिटॉल वगैरह से गर्म पानी से वॉश करके रखी हुई है, तो ये सब कुछ मैं नर्सिंग होम में नहीं लेके जाने वाली हूँ, बस एक ही नाइटी इमरजेंसी के लिए लूँगी अगर इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरत पड़ जाए, और ये वाला तो लगेगा जब मैं रिटर्न आने आऊँगी बेबी को लेके घर, तो तब लगेगा। और ये वाला मैं जस्ट रख रही हूँ, एक ज़रूरत तो होगा नहीं, उधर का ही कपड़ा पहनना होगा जो हॉस्पिटल का कपड़ा होती है, तो ये दो चीज़ जो है मैं साइड करके ना रख लूँगी। ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा सामान कुछ नहीं लूँगी, जो 2-3 दिन के लिए जो ज़रूरतमंद है बस उतना ही। और अगर कुछ मैं भूल रही हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ छूट रहा है मुझसे, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है मुझसे, जो कुछ बन पा रही है मैं ले रही हूँ ताकि मेरे हस्बैंड को उस टाइम पे उस मोमेंट पे इधर उधर भागना पड़े कि ये लाओ वो लाओ इस वजह से। और ये रही बेबी के लिए, ठीक है, एक ही चीज़ बेबी के लिए, क्योंकि मेरे नानी माँ बोल रहे थे ना कि हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में सभी जगह ना नेबर्स भी बोल रहे थे कि चाहिए होता है कि नानी का फिर मम्मी का जो कॉटन का पुराना कपड़ा होती है ना, सूती का जो कपड़ा होती है वो चाहिए होता है, लेकिन क्यों चाहिए मुझे नहीं पता, शायद बेबी को पोंछने के लिए, साफ़ करने के लिए, पता नहीं, तो बोले हैं तो ज़्यादा नहीं लूँगी, नानी पूरा सब कुछ नाना का धोती कॉटन वाला जो साड़ी होता है वो सब कुछ भेज दिया है, तो सब तो मैं लूंगी नहीं,
ठीक है। कुछ कुछ मैं ले लूंगी, ये देखिए सब कॉटन का कपड़ा है, ज्यादा मैं नहीं लूंगी, थोड़ा थोड़ा मैं ले लूंगी। और उधर पे जाने के बाद तो हस्बैंड बेबी के लिए अलग से शॉपिंग करेंगे ही, जैसे कि टॉवल हो गए, कपड़े हो गए, फिर बेबी कैरी करने वाला जो बैग होती है वो सब कुछ, मॉस्क्यूटो नेट वगैरह, गद्दी, मतलब बेबी का जो सामान होती है वो सब लेंगे ही। तो ये सारा ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा ये मैं ले लूंगी, ठीक है। तो ये सूती वाला ही ना, मैं एकदम जो सॉफ्ट सॉफ्ट है, सब धुला हुआ है, गर्म पानी से नानी धो के भेजेंगे सब कुछ, डिटॉल वगैरह। तो ये मैं सामान पैकेट में भर के बेबी के लिए अलग से ले लूँगी, अगर ज़रूरत पड़े, सबको ही बोल रहा है ज़रूरत पड़ते हैं, तो ये मैं अलग से ले लूँगी। तो हाँ गाइज, और स्लीपर चाहिए होता है, स्लीपर अभी तो मैं नहीं रखूंगी क्योंकि ये बैग बिल्कुल रेडी है, अभी मैं अलमेरा पे कोने में रख दूंगी, अलमेरा के कोने पे, जब इमरजेंसी पड़ेंगे लेके भाग जाऊंगी बस बेबी को लाने के लिए। और हाँ, स्लीपर जब जाऊंगी तब ले लूंगी, और मोबाइल का चार्जर वगैरह, और तो खास कुछ लगेंगे नहीं। तो मेरा हॉस्पिटल बैग तो रेडी है, बस ये रेडी हो गई है, मैं इसको साइड में रख देने वाली हूँ, और जब ज़रूरत होगा बस आप लोग प्रे करना, विश करना, भगवान से ज़रूर प्रे करना, ताकि मेरा बेबी बिल्कुल हेल्दी रहे, हम दोनों हेल्दी वे में सब कुछ, मतलब बेबी होने के बाद हेल्दी से होके फिर घर पे आ पाए और आप लोगों के लिए प्यारा प्यारा वीडियो ला पाए बेबी के साथ, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और बालों से रिलेटेड काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि प्रेगनेंसी में अपने बालों का कैसे क्या केयर कर रहे हो, प्लीज़ वीडियो बनाओ, तो होप सो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आगे भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है बेबी से रिलेटेड, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एक तो वीडियो तो बंद कर दो, अब तो दूर मुझे जेते पारबो ना, मेरे हस्बैंड भी इधर भी बैठे हुए थे। हाँ।